Hey guys, welcome to our classroom. मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरे तो मुंह मीठा नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और उसने सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को कहाँ चैन था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुलझुलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन ना सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठ हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, सही पर निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, उसकी आवाज मीठी थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात यानी किसी के मन को ना भाए वैसी बात। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसे सारंगी मीठी नहीं लगी। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बेवकूफ था और उसे कला की समझ नहीं थी। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। उसने चाटने की कोशिश की और सारंगी के छेद के पास अपना मुंह रखा, ताकि कोई मीठा पदार्थ उसके मुंह में आ जाए। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा।
ताकि सारंगी गंदी ना हो जाए, और किन किन चीजों पर घोल चढ़ाया जाता है? किताबों पर, गाड़ियों पर, और आप बताइए। गाओ बचाओ, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार छेड़कर बचाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। सारंगी, तार वाले, ढोलक, थाप वाले, इकतारा, तार वाले, तबला, थाप वाले, बांसुरी, अन्य, यह हम मुंह से बजाते हैं। बाकी आप कोशिश करिए। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, घर पर किसी अवसर पर, भजन कीर्तन में, स्कूल में किसी अवसर पर। चटखारे, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। एक तरफ मीठा, दूसरी तरफ नमकीन और तीखा। तुम इस तालिका में कुछ और नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हस। अब नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़।